हे गाइस, देखो गिरते बाजार में कैसे शेयर में निवेश करना चाहिए वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पूछो क्यों? क्योंकि कल के डेट में जो आपने देखा थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते निफ्टी की मजबूती में। क्योंकि अगर देखोगे यस्टरडे तो डाउ जो तो ठीक ठाक ही आ सही है, तो मैं रोड साइड हूँ तो आपको आलतू फालतू साउंड भी आएगा, तो कभी कभी प्रॉब्लम में होता हूँ लेकिन फिर भी वीडियो बना देता हूँ। तो हुआ क्या कि निफ्टी में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिली यस्टरडे, लेकिन जो एफआई वाले थे उन्होंने मतलब अभी तक नहीं रुका। वो यस्टरडे भी उन्होंने बहुत भारी माल बेचा है और सबसे ज़्यादा लगभग कम से कम 4500 करोड़ के आसपास माल बेचा गया। यस्टरडे की बात की जा रही है, फॉरेन वालों ने दबा के माल बेचा, खरीदा गया भी है। अब खरीदने वाले कौन है भाई, कितना खरीदा गया? तो देखो 1500 करोड़ ही खरीदा गया है और खरीदने वाले डोमेस्टिक वाले लोग हैं, याद रखिएगा। तो बिकवाली अभी भी जारी है। तो मैं आपको बोलूँगा देखो गिरते बाजार में जब बाजार अगर टेंशन में हो, अगर मान लेते कभी कभी ऐसे भी होगा कि आज के डेट में निफ्टी में पॉजिटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आज के डेट में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा प्लस में रहेगा, 100 पॉइंट ऊपर ही रहेगा, लेकिन फिर कल या परसों के डेट में हो सकता है कि प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। इस वजह से हमें क्या करना है, कोई भी काम करना है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपायरी नज़दीक है, मंथ के एंड है तो एक्सपायरी सामने है। गिरते बाजार में जो डोमेस्टिक वाले खरीद रहे हैं तो कहाँ कहाँ खरीद रहे हैं? तो गिरते बाजार में अगर देखोगे तो लाइका लैब में माल खरीदा जा रहा है दबा के, यस्टरडे और उसके एक दिन पहले भी, मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा क्वांटिटी खरीदा जा रहा था और ख़रीदने वाला कोई और नहीं, इनके प्रमोटर्स ही हैं। अब ये वेदांता में भी मैंने आपको बताया था, वेदांता में भी लगभग 5% प्रमोटर्स जो है माल खरीदने के लिए तैयार हैं। तो अगर खुद की कंपनी में गिरते बाजार में अगर माल उठाया जा रहा हो तो समझ सकते हो कि ऐसी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर सपोज़ मान लो कि लाइका लैब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसका प्राइस है 128 रुपीज़, कल के डेट में अगर ये स्टॉक 150 में भी मिलता है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, 150 में भी नहीं मिला, 170 में या 180 रुपीज़ में भी मिलता है तो उस टाइम भी खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, उस टाइम भी ये स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करके दिखाएगा। ये स्टॉक कम से कम तो मान लीजिए कि 200, 300 या फिर 300-350 रुपये के आसपास जाते हुए नज़र आ सकता है, याद रखिएगा। इस वजह से इसके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं क्योंकि प्रमोटर्स खुद ही बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। और हालांकि मानता हूँ कि अभी हाई में है, लेकिन हो सकता है कि एक और नया हाई बना सकता है यहाँ पर। और बाहर वाले से भी यहाँ पर देखोगे तो लाइका लैब में शेयर खरीदा जा रहा है कि नहीं, लगभग 20 आवर्स अगो के आसपास से। तो देखो ये सभी लोग जो हैं ये लंबे समय वाले हैं, तो अगर आप लंबे समय के लिए खरीद रहे तो ही, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि सर्किट में चल रहे स्टॉक तो नीचे आ सकते हैं। अगर ये स्टॉक नहीं पकड़ में आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेदांता पर आप नज़र डाल सकते हो। वेदांता में भी प्रमोटर्स बार बार हिस्सेदारी खरीद रहे हैं और ये तीसरी बार है जहाँ पर प्रमोटर्स हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। तो ये ऐसे स्टॉक्स पर आप गिरते बाजार में नज़र रख सकते हो। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत कम टाइम होता है, तो जल्दी जल्दी मैं केवल आपको इशारा देने की कोशिश करता हूँ, सही है, और इस वजह से थोड़ा इवनिंग में आपको डिटेल में वीडियो बनाकर बता पाता हूँ। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE, BSE, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहते हैं बहुत छोटे हैं, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरनेट में जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल वन बन चुका, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।